नमस्ते मित्रों, आइए आज आपको सुनाऊं एक कविता। कवयित्री हैं मंगला रानी जी, जो स्वयं एक सशक्त रचनाकार हैं, जिनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हैं और अनगिनत सम्मानों और पुरस्कारों से वे पुरस्कृत भी हैं। और बहुत ही खूबसूरत कविता है और कविता का शीर्षक है परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा दी नहीं जाती, घटित होती है। परिभाषा दी नहीं जाती, घटित होती है। धुआं भर जाता है छाती में, फूट पड़ते हैं अश्रु, कंपित होते हैं अधर, झर पड़ती है कविता। रोए रोए हिल पड़ते हैं, सुदूर फूट पड़ता है एक झरना। परिभाषा, परिभाषा बदल जाती है। परिभाषा, परिभाषा बदल जाती है। बदल जाते हैं रिश्ते, दर्द दर्द देती है पत्तों की चरमर। साथ में बैठता है भूत, चलता है, दौड़ता है, हंस पड़ता है, गले में अटकता है कुछ, बज उठती है पपीहे की तान। परिभाषा, परिभाषा की परिभाषा ही क्या जो अपरिभाषित है स्वयं में। कानों में बजते हैं सितार, उंगली कांप उठती है कलम पर, गीत मल्हार उभरता है दिशाओं में, चीत्कार कर उठता है मयूर, चांद झांकता है उदास, तारों भरी रात की सिसकती है अमा। परिभाषा, परिभाषा मर चुकी है, शब्द ढह चुके हैं, बह गई है सागर की एक एक बूंद, स्याहसी रात की व्याकुल आवाज का रह नहीं गया कोई अर्थ। सोने की दुनिया की, सोने की दुनिया की तांबई दीवारों पर ठुक गई हैं लोहे की कई कई कीलें। मत पूछो, मत पूछो कि कौन इस पार है, कि कौन उस पार है, कौन बहा उबार है, कि कौन धसा मजार है। ये शब्द हैं, ये शब्द हैं कि अर्थ है, कि है कुछ बेसुरे से राग। कैसी छुअन है ये, कैसा रुदन है ये, किसकी है परिभाषा, किसकी है परिभाषा। प्रोफेसर मंगला रानी, जो बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं। प्रणाम मित्रों।